हिमालय की गोद में कुल्लू की रमणीय घाटी मन स्वरों से प्रकृति के मधुर गीत गा रही है। यहाँ बर्फीली पहाड़ियाँ, चीड़ और देवदार के घने जंगल, गरजती हुई नदियाँ और जलप्रपात के सुहाने दृश्य देखकर मन नाच उठता है। यहाँ सफेद और गुलाबी फूलों की मधुर मुस्कान, सुहाने खेतों की हंसी, चीड़ और देवदार के वृक्षों का उल्लास दिखाई देता है। अनंत काल से बर्फीली पहाड़ियों से घिरी हुई धरती का यह अनोखा श्रृंगार देखकर कौन प्रकृति की महिमा के गीत ना गाएगा। ग्राम देवता को लेकर जब लोग इस घाटी में से गुजरते हैं, तब उनके संगीत के मधुर स्वर पहाड़ों से टकराकर वायुमंडल में गूंज उठते हैं और तब पहाड़ों की वो अपूर्व शांति भंग हो जाती है। कुल्लू देवताओं की घाटी है। यहाँ हर गांव के लोग अपने देवता में विश्वास रखते हैं। गांव में देवता के मंदिर के अलावा उनके गुणगान गाने वाली भजन मंडली भी होती है। उत्सव के दिन देवता मंदिर से बाहर लाए जाते हैं और गांव के भोले भाले लोग उनके सामने संगीत के मधुर स्वरों के साथ साथ झूम झूम कर नाचते हैं। उनके गीतों के सरल स्वरों से सारी घाटी गूंज उठती है। नई सभ्यता की झलक कुल्लू में आज भी नहीं दिखाई देती। वहाँ की नदियाँ अब तक तूफानी गीत गाती हैं। वहाँ की कविताएं सिर्फ लोगों की जबान पर हैं और वहाँ का इतिहास आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। फिर भी हिमालय की गोद में शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जिसका प्राकृतिक सौंदर्य कुल्लू से अधिक हो। हालांकि कुल्लू हिमालय की भारी पहाड़ियों के आगे बसा हुआ है, फिर भी वहाँ पहुँचना कठिन नहीं। हवाई जहाज के जरिए आप दिल्ली से वहां सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर रेलगाड़ी की यात्रा करना चाहें तो आप दिल्ली से एक ही रात में पठानकोट और वहां से रेल की छोटी लाइन के जरिए नगरोटा पहुंचेंगे। नगरोटा से कुल्लू तक सड़क जाती है। आप पठानकोट से बस के जरिए भी कुल्लू पहुंच सकते हैं। ये सड़क 175 मील लंबी है। कांगड़ा की सुंदर घाटी में से होती हुई ये सड़क मंडी पहुंचती है। मंडी एक बहुत बड़ा नगर है। नगर से इस दिशा की ओर कुछ मील चलने के बाद आपको ब्यास नदी दिखाई देगी। मंडी एक प्राचीन और सुंदर नगर है। यहाँ कई भव्य मंदिर हैं। चट्टानों पर खुदाई के सुंदर काम और बाजार के रंगीन दृश्यों ने इस नगर की सुंदरता और बढ़ा दी है। पंडू में ब्यास नदी को पार कर ये सड़क ऊंची चट्टानों और पहाड़ियों के बीच में से होती हुई नदी के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती है। चट्टानों के सकरे रास्ते में बहती हुई घोर गर्जना करने वाली ये तूफानी नदी कितनी भयानक दिखाई देती है। झूले की मदद से नदी को पार करने वाले इन पहाड़ी लोगों को देखिए। इस आदमी की हिम्मत भी गजब की है। यहाँ जरा सी असावधानी हुई कि समझो गए नीचे। आगे चलकर पहाड़ों के बीच का ये तंग रास्ता खुल जाता है और फिर दिखाई देने लगते हैं पहाड़ी मैदान और सुहाने खेत। इसके बाद आप बजौरा पहुंचेंगे। यहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है। यहाँ से चौड़े मैदान में 9 मील का फासला तय करने के बाद आप कुल्लू के मैदान में पहुंचेंगे। कुल्लू इस घाटी का प्रमुख नगर है। ये नगर ब्यास नदी के किनारों पर बसा हुआ है। ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई ये नदी इस घाटी के ठीक बीच में से होकर गुजरती है। शांत दिखाई देने वाली ये नदी चट्टानों पर से होती हुई चिनार और जंगली वृक्षों की छाया में बहती है। कुल्लू के लोग इस नदी से पूरा फायदा उठाते हैं। ये नदी न सिर्फ सूखे खेतों की प्यास बुझाती है बल्कि लकड़ी के लट्ठों को जंगलों से मैदानों में पहुंचा देती है। ब्यास घाटी का ऊपरी भाग शायद हिमालय का सबसे सुहाना और हरा भरा स्थान है। 24 मील तक फैले हुए इस इलाके में फलों के बहुत से बागीचे हैं जिनमें बढ़िया किस्म की नाशपाती, सेब और दूसरे फल पैदा होते हैं। रेसन और कैट्रियन मछलियां पकड़ने के बहुत बड़े केंद्र हैं। दूर दूर से लोग यहां मछलियां पकड़ने के लिए आते हैं और उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता। यहां से कुछ ही दूर ट्राउट मछलियों को पालने की जगह है और इससे कुछ आगे छोटी सी पहाड़ी पर मधुमक्खियों का घर है। यहाँ की पहाड़ियों के आसपास छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं जिनमें कुछ मकान बने हुए हैं। ये मकान 2 या 3 मंजिल के होते हैं। हर मंजिल में एक कमरा होता है।
ऊपर की मंजिल के चारों तरफ लकड़ी का बरामदा होता है। मकान के सबसे निचले भाग में मवेशी रखे जाते हैं और ऊपर की मंजिल में लोग रहते हैं। इन लोगों के जीवन में सादगी और शांति है। कुल्लू की महिलाएं जितनी मेहनती हैं उतनी सुंदर भी हैं। ये महिलाएं खेतों में काम करती हैं और यहाँ के मर्द चरागाहों में हर मौसम का सामना करते हुए कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ के पुरुष, महिलाएं और बच्चे फुर्सत के समय कड़ी ठंड से बचने के लिए ऊन काटते हैं। कुल्लू के बहुत से लोग दिन भर तकली पर ऊन काटने का काम करते हैं। पट्टू या कंबल बनाना इस घाटी का मुख्य उद्योग है। काफी धुलाई के बाद ये पट्टू नरम हो जाते हैं। कुल्लू में पानी की कमी नहीं। इस घाटी में कई जल चक्कियां हैं जिनसे अनाज पीसा जाता है। कुछ तरक्की पसंद लोग चावल की भूसी हटाने के काम में नई मशीनों का उपयोग करते हैं। यात्रियों के लिए कुल्लू स्वर्ग के समान है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले ऊंची चोटियों को देखकर फूले नहीं समाते। कुछ कम साहसी लोग इस घाटी में ही अपना मन बहला लेते हैं। नगर से मनाली तक का मार्ग बड़ा ही सुहाना है। इस घाटी में मीलों लंबे चावल के खेत हैं। ये हरियाली इस घाटी के रहने वालों की आशाओं की हरियाली है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच खेतों में अनाज काटते हुए लोगों को देखकर आप उनकी खुशी का अंदाजा लगा सकेंगे। आप यही सोचेंगे कि प्रकृति की छाया में हम यहाँ इसी तरह विहार करते रहें। जगत सुख नामक गांव में से होती हुई ये सड़क तेजी से बहने वाली दो नदियों को पार कर मनाली पहुंचती है। मनाली एक बड़ा ही सुंदर स्थान है। यहाँ देवदार के घने जंगलों में 700 वर्ष पहले बनाया गया डोंगरी का मंदिर है। मनाली से यात्रा शुरू कर दर्रा रोहतांग में से होते हुए लोग पुराने जमाने से लाहौल और लद्दाख की मंडियों में व्यापार करते आ रहे हैं। ब्यास नदी के किनारे किनारे कोटी तक की यात्रा में आप आनंद का अनुभव करेंगे। लाहौल के मैदान से लोग भेड़ों के जरिए इसी रास्ते से अपना माल कुल्लू की मंडी में पहुंचाते हैं। सामान से लदे हुए सीधे साधे पशु लद्दाख के मैदानों में से हो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इस दर्रे के उस ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है जो ब्यास नदी के उद्गम स्थान के पास है। 40 फुट की ऊंचाई से उछलती हुई ये नदी 350 मील का सफर तय करती है। अक्टूबर महीने में पहाड़ी इलाकों के लोग इसी रास्ते से ऊन, नमदे और कंबल जैसी चीजों को कुल्लू में होने वाले दशहरे के मेले में पहुंचा देते हैं। इस घाटी में लोग दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन देवदार के वृक्षों से घिरे हुए कुल्लू के मैदान में घाटी के सभी देवता लाए जाते हैं। इन देवताओं में रघुनाथ जी प्रमुख हैं। मेले के मैदान तक जाने वाली हर सड़क और पगडंडी पर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़ लग जाती है। ये लोग जुलूस के रूप में अपने ग्राम देवताओं की मूर्तियों को मेले में ले जा रहे हैं। पहले दिन गहनों और रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए रथ में रघुनाथ जी की मूर्ति रखी जाती है। इस रथ यात्रा में सभी लोग उत्साह से भाग लेते हैं। भजन मंडली के गीतों से आकाश गूंज उठता है। रथ कुल्लू के मैदान की ओर आगे बढ़ता जाता है। कुल्लू वासियों के साथ रूपी और सांगरी के राजा घाटी के देवता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए आए हैं। मेले में हाथ के कटे हुए सूत के कपड़े, यहाँ के बने हुए दुशालों और कंबलों का खूब व्यापार होता है। ऐसे मेलों में ये लोग धार्मिक कथाओं के आधार पर नृत्य करते हैं। यहाँ लाहौल और तिब्बत के नट लोग भी अपना कमाल दिखाने में पीछे नहीं रहते। अपनी प्राचीन वेशभूषा को धारण कर ये लोग झूम झूम कर नृत्य करते हैं। घाटी की सुंदरियां इनकी कला को देखकर ध्यान में डूब जाती हैं। इस तरह आनंद और उल्लास का एक सप्ताह समाप्त हुआ। मीठी याद के साथ
अगले साल इस रमणीय घाटी की फिर यात्रा करने की आशा लेकर हम यहाँ से रवाना हुए।